लुधियाना के थाना डिवीजन नंबर 6 की पुलिस ने 23 जून को हुई लूटमार के मामले में 3 आरोपियों को काबू किया है, जिनसे लूटी गई नकदी और तेजधार हथियार भी बरामद किया गया। ए ब्रदर 23 तारीख नू थाना 6 नंबर डिवीजन एक पर्चा दर्ज होया सी, जो एरिया मिलरगंज चौकी दा पैंदा सी, और साडे एसएचओ अमन बराड, साडे मिलरगंज चौकी इंचार्ज, साडे एसीपी रणधीर जी, इन्होंने अपनी टीम बना के वधिया मेहनत की है, जिहड़ा 8 to 10 दिनों के ये वारदात जी ट्रेस कर ली है। इन्होंने एक हैंडीकैप्ट लड़का सी जिहड़ा कबाड़ दा, ते उहदा एक होर शॉप हैगी, उहदा कारोबार सी इन नीलम साइकिल दे कोल। इन्होंने उत्थे उहदे कोल दिन दिहाड़े दात उन्हां दे ला के ते उहदे कोल 1,03,000 रुपए की खोह की सी। प्रीवियसली इन्हों का क्रिमिनल रिकॉर्ड है, इन्होंने दो जने के खिलाफ, एक जिहड़ा धर्मिंदर है खिलाफ 3 मुकदमे दर्ज हैं, जिहड़ा दूसरा इंद्रजीत उहदे खिलाफ 1 मुकदमा दर्ज है, एक्साइज के भी हैं, चोरी के भी हैं, तो इस वारदातों के एक्चुअल हैं, जेल कट्टी हुई है। इन्हों को एक मोटरसाइकिल वारदात जो वरत्या और कवर किया, जो वैपन जोड़ा दात इन्होंने वरत्या और कवर किया, प्लस इन्हों को 20,000 रुपया जोड़ा और कवर किया, बाकी इन्होंने रिमांड लैके जो बाकी पैसे हैं वो भी रिकवर कराए जाए। जोड़ा वहीकल है वो विदाउट नंबर प्लेट से, हूँ तो जो इन तो पुछगिछ दौरान जो नंबर पूछा उन्होंने असं वेरीफाई करा कि वाकई वो ओनरशिप ठीक है कि वह भी चोरी का, पर मोस्ट प्रोबेबली जिम्मेदार इन्हों का क्रिमिनल रिकॉर्ड है वो भी चोरी का ही होएगा, उन्होंने असं ट्रेस कर।